लैपटॉप का मतलब ही होता है पोर्टेबल, यानी कि आप बैग में लेके कहीं भी घूम सकते हो। पर लैपटॉप गुम होने का टेंशन बहुत कम लोग सोचते हैं। मोबाइल तो आए दिन गुम हो जाते हैं लोगों के, पर लैपटॉप अगर किसी गुम हो जाता है उसे कैसे ट्रैक किया जाए? आप सोचेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, लैपटॉप में तो कुछ होता ही नहीं है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो लैपटॉप आपका एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा मोबाइल से ज़्यादा, यानी एक्यूरेट बताएगा। बट आपने अगर ये सारी चीज़ें इनेबल नहीं भी की है ना, तो भी मैं बताऊँगा इनेबल करना है। अगर आप एक नया पीसी है, अगर आप पुराना यूज़ भी कर रहे हो, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहला जो चीज़ आपको मिलता है इनबिल्ड मिलता है वो है फाइंड माई डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साइट से ही मिलता है। इसे इनेबल कर दीजिए, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है। अब इसे जैसे आप इनेबल कर देते हो तो आपका देयर एंड द मैटर आपका लोकेशन हमेशा ऑन रहेगा, और जब भी आपका कोई भी नेटवर्क पर कनेक्ट होता है लोकेशन अपडेट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप चेक कैसे करोगे, तो जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के मेन अकाउंट से लॉगिन करना है आउटलुक वाले से, और जैसे आप लॉगिन कर लेते हो, जाहिर सी बात है अगर आउटलुक नहीं है, जीमेल है, जो भी आपने यूज़ किया है, एज अ पीसी को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे जो अकाउंट आपने रजिस्टर कराया है एज एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी आपका आईडिया वो यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही लॉगिन करते हो यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है, एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरा एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही ईजी है एंड आपका बहुत ईजिली आपको अपना लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो हमारा पहला वाला। अब आते हैं हम सेकेंड वाला। सेकेंड वाले को सुनने से पहले आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में क्रिएट हो सकता है। अगर आपने जो भी जीमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है उसके अंदर अगर लॉग आउट करके रखा है तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट इन केस अगर आपने लॉगिन किया हुआ है उसमें तो आपका थोड़ा यहाँ पे हेल्प हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हेल्प हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जाहिर सी बात है गुम होने के बाद लोग क्या ही करेंगे, फॉर्मेट मारते हैं। 98% चीज यही होती है, बट 2-3% होते हैं जो सोचते हैं कि डेटा ही बहुत बड़ा पैसा का सोर्स हो सकता है, तो वो इसलिए क्या करते हैं पीसी को बिना फॉर्मेट मारे बस पासवर्ड को क्रैक करके लैपटॉप को ओपन करके और आपके डेटा उसको चेक करना चाहते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी और वहीं में आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब इस केस में होता है कि अगर आपका जीमेल लॉगिन है आपके गूगल क्रोम या किसी भी तरीके से, तो यहाँ से भी आप डेटा आराम से अपना लोकेशन देख सकते हो। बट इसका देखने का तरीका जो है बहुत ज़्यादा अलग है। आपको यहाँ पे जीमेल पे लॉगिन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, डिटेल देखना है। देख सकते हो लास्ट में एकदम कॉर्नर पे डिटेल देखने के लिए मिल रहा है। इसको जैसे आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल जाता है। ये नोट कीजिए आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहो तो पुलिस स्टेशन पे देख के भी इसे ट्रैक करवा सकते हो। बट नो डाउट आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसका लास्ट लोकेशन जो इजीली मुझे यहाँ शो कर रहा है, एंड यहाँ से मैं अपना लैपटॉप को है ट्रैक कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये तो मेरा ही लैपटॉप है, मेरे घर पर रखा हुआ है। तो ये अगर आप कभी भी ट्रैवल करते हो ना, तो मैं चाहता हूँ यार ये इनेबल करके ट्रैवल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका। देखिए गुम होना इतनी बड़ी चीज़ है तो गुम तो होती नहीं है, बट इन केस क्या है ना यार हो जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्टिवेट रहोगे तो सही रहेगा। और एक और चीज़ है यार, अपने हर चीज़ों का बैकअप लेकर रखना सीख लीजिए। यानी कि आप किसी तरीके वो लोकल डिस्क में रखते हो, अपना छोटा SSD ले लीजिए, छोटा HDD ले लीजिए, 4-5 हज़ार का लगभग में आता है। मुझे पता है ज़्यादा कॉस्टली है, पर आपका डेटा भी तो यहाँ पर सिक्योर है, तो वो कर सकते हो। नहीं तो आप वन ड्राइव के साथ भी कनेक्ट रख लीजिए, कुछ तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। बैकअप फाइल क्रिएट कर सकते हो सेम लोकल डिस्क में। तो डेटा को अगर आपका कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है ना, तो उसे अच्छे से सिक्योर करके रखिए। अगर लेब कुछ खास पास है नहीं तो लैपटॉप तो भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरे नज़र से अगर आप इस छोटी छोटी चीज़ें इनेबल करके रखोगे ना, तो इससे कोई ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपके बैटरी या यूसेज पे। तो इसे ऑन करके रखिएगा फाइंड माई डिवाइस और जीमेल लॉगिन करके। और भी कोई तरीका है तो प्लीज़ यार मैं चीज़ों को कमेंट कीजिएगा, लोगों का हेल्पफुल होगा इस चीज़ को जानने के लिए। यहीं तक रखते हैं, कोई भी एंगल से बताना आता है सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक देना। मिलता है नए फ्रेश पर, तब तक के लिए बाय बाय।